कांग्रेस देगी सचिन पायलट को बड़ा पद, जल्द बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। देश में एक तरफ महाराष्ट्र में सियासत को लेकर महासंग्राम शुरू है, तो वहीं इसकी आंच राजस्थान तक पहुंचती नजर आ रही है। जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है, तब से कई बार गहलोत व पायलट गुटों के बीच अंदरूनी कलह निकल कर सामने आई है। कई बार तो इन दोनों के बीच बचाव में शीर्ष नेतृत्व को भी आना पड़ा। सीएम अशोक गहलोत तो सचिन पायलट पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर सरकार गिराने का भी आरोप लगा चुके हैं, जिसको लेकर राजस्थान की सियासत में काफी हंगामा भी हुआ है। इन दिनों राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बढ़ चुकी है, एक पायलट का खेमा तो दूसरा गहलोत का खेमा। इन दोनों के बीच आपसी टकराव की खबरें अक्सर आती रहती है। पायलट गुट हमेशा सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, जिसको लेकर गहलोत गुट कभी कभी तो आमने सामने आ जाता है। इसी बीच प्रियंका गांधी की करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट कर राजस्थान की सियासत में हवा दे दी है। उनके ट्वीट के बाद राजस्थान की राजनीति में बाजार गर्म है। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोग तरह तरह की अटकलें लगाना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि गहलोत पर इन दिनों राजनीतिक संकट मंडराने लगा है। सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट कर राजस्थान की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण मास में किया जाता है, हर हर महादेव। उनके इस ट्वीट पर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर यह ट्वीट की गई है।